बनती हुई दिख रही है, कैसे रीड कर रहे हैं इस समय का मार्केट एक्शन? बिल्कुल दीप, सेक्टोरल रोटेशन लगातार बरकरार है, कहीं कहीं कोई कोई सेक्टर ऐसा है जो निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए आ जाता है, वहीं पर आपको फोकस करना चाहिए। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब भी एक्शन है, रहेगा भी जब तक नतीजों का सीजन पूरी तरह से खत्म नहीं होता। आप देखिए आज जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रोकिंग कंपनियों के शेयर आज चलने लगे, एंजल ब्रोकिंग 20% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल 8% मजबूत है। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पर भरपूर एक्शन है ही। मुझे लगता है कि इंडेक्स में भी आपको तेजी के रुझान के साथ चलना चाहिए, और डेटा में तैयार कर ही रहा हूँ दीप, निफ्टी के देख चुका हूँ, बैंक निफ्टी के देखने की तैयारी में हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपके साथ आऊंगा भी, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव और तेजी की तरफ रखना चाहिए। जी दीप बिल्कुल, तो व्यू पॉजिटिव और तेजी की तरफ ही बना हुआ है सर, और एक्शन भी देखिए निफ्टी में भरपूर एक्शन है, बैंक निफ्टी भी मोमेंटम पकड़ते हुए। तो आइए फिर आपको बताते हैं आने वाले दिनों के लिए आपको कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, और आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी वरुण दोनों ही हमारे साथ तैयार है। मानसी बताएं कौन से ट्रिगर्स पर नजर है। नतीजे हीरो मोटो कॉर्प और टाटा कंज्यूमर, दीपांशु गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आते हुए आज निफ्टी स्पेस में दिखेंगे। कल नंबर्स एचडीएफसी और अल्ट्राटेक सीमेंट निफ्टी स्पेस में आते हुए दिखेंगे। वहीं वायदा बाजार में नवीन फ्लोरीन, डाबर और चोला इन्वेस्ट के नतीजों पर फोकस रहेगा। कल के दिन कुछ ट्रिगर्स भी हैं, गति और इंटरग्लोब एविएशन दोनों पर ही बोर्ड मीट्स के चलते फोकस रहेगा। गति पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी, इंटरग्लोब एविएशन क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक करेंगे। इसके अलावा केडीडीएल 25 करोड़ का बाय बैक बंद हो जाएगा, दाम जिसके 230 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं वैभव ग्लोबल पर भी फोकस रखेगा, स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होगी कल यानी कि 7 तारीख। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स, और ज्यादातर नतीजों पर ही हमारी नजर बनी हुई है। आइए वरुण से भी जाने आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स। बताएं वरुण आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहे हैं। देखिए फार्मा रिलेटेड स्टोरी फिर से एक बार एक्शन में रही है, और बजाज हेल्थ केयर इस कंपनी ने कोरोना की एक दवा लॉन्च कर दी है। इसके अलावा फ्यूबेक्स यहाँ कंपनी ने स्नोफ्लेक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए एक करार किया है। जेबी केमिकल इस कंपनी ने नेफ्रोलॉजी सेगमेंट में एंट्री की है, और रेनोवा नाम से एक डिवीजन जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, बेसिकली जो किडनी डिजीज रहती है उसके लिए काम आता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 12 मई को पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है, 500 करोड़ के आसपास की पूंजी जुटाने पे बोर्ड बैठक करेगा। कुछ नतीजे आए जिसमें कैपिटल पॉइंट मुनाफा 49 करोड़ से बढ़कर 69 करोड़, और जो कंपनी का मार्जिन है वो 24.9% से बढ़कर 30.8% पे आया है। सुंदरम फास्टनर मुनाफा 55 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ पे आया है। आई भी अच्छी बढ़ी है, और मार्जिन देखिए 14.8% से बढ़कर 18.6% पे आए हैं। कंपनी ने ₹3.40 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। IDBI बैंक खबरों के चलते तो स्टॉक फोकस में वैसे भी है, लेकिन सुबह सुबह स्टॉक में 1,40,000 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं, उसका इंपैक्ट देखने मिला। डेल्टा कॉर्प ने कोविड के चलते सिक्किम में अपने जो कैसीनोज है बंद कर दिए हैं, 16 मई तक ये बंद रहेंगे, और केरला ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, 8 तारीख से 16 मई तक यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। जो है वो ड्रीम क्वार्टर्स थे ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए, और मैं ओवरऑल अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब इस समय पे बहुत अजीब सा माहौल था, डरावना माहौल था, तो उस टाइम पे मैंने ब्रोकिंग इकोसिस्टम के एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एक्सचेंज इकोसिस्टम के स्टॉक्स को बहुत रेकमेंड किया, भले वो MCX हो, BSE हो, IEX हो, CDSL हो। तो ये तो हो गए, CDSL तो इसलिए था कि सारे एक्सचेंज कंपनीज के जो अकाउंट ओपनिंग होते वो CDSL में हो रहे थे, और सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी CDSL ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर ग्रैब किया, तो वो तो देख लीजिए मल्टीबैगर आज आपके सामने। बट जिस तरीके से कल एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट्स आए, 5paisa.com ये सारे जबरदस्त कर रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग को आज 20% के बायर सर्किट में, ICICI सिक्योरिटीज ने कमाल के रिजल्ट्स दिए। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द रिजल्ट्स, एंड हम लोग भी जानते हैं कि ये सेगमेंट बहुत जबरदस्त कर रहा है बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। सो आई थिंक आगे भी आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और एक और जो चीज थी, इतने दिन तक जो डिसरप्शन हुआ हुआ था इस इंडस्ट्री में, और जो ये ओल्ड ब्रोकर्स थे सो कॉल्ड, उनको सब ट्रेडिशनल ब्रोकर्स बोलते थे, बट इन्होंने भी अब टेक्नोलॉजी पे फोकस करके, टेक्नोलॉजी पे जबरदस्त इन्वेस्ट करके, इन्होंने अपने मोबाइल एप्स, ऑनलाइन जो भी एक जो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे थे उन सबको बहुत ठीक किया, और वो चीज एंजल में देखने को मिली है मुझे। सो ओवरऑल इट्स मोर ऑफ 5paisa और एंजल ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में से एक बहुत बढ़िया एक जो नए जो न्यू जनरेशन के जो ब्रोकर्स आए हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। सो आई थिंक दीज कंपनीज विल कंटिन्यू डूइंग वेल, एंड जिन्होंने ले रखा वो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, सो कंटिन्यू होल्डिंग देम,
एंड एंजल है, मोतीलाल ओसवाल है, इन सब ने जबरदस्त रिजल्ट्स दिए ब्रोकिंग फ्रंट पे, सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेगमेंट येट।